हाँ, तो आज हम वर्ड पावर मेडिजी का सेशन नंबर 16 देखेंगे। पहले हम रूट वर्ड्स देख लेते हैं। क्रोनोज का मतलब होता है टाइम, लॉजी मतलब होता है स्टडी और सब्जेक्ट, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट जो अपन देख चुके हैं, और एना एक नया वर्ड है, एया और एना सिंगल ए या फिर ए एन ए, एक नेगेटिव प्रीफिक्स का काम करता है। तो देख लेते हैं क्रोनोसिटी क्या होता है। क्रोनोसिटी या क्रोनिक, ये क्रोनोस से बना है जिसका मतलब होता है टाइम। तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो एक कंटिन्यूअस होती रहती है टाइम के अनुसार, उसे बोलते हैं क्रोनिक या क्रोनिसिटी। मतलब टेररिज्म की एक्टिविटीज़ कश्मीर वैली में होना एक क्रोनिक इवेंट है। उसके बाद देखते हैं क्रोनोलॉजिकल, ये क्या होता है, होता है टाइम के साथ बट इन ए ऑर्डर, तो टाइम के साथ किसी ऑर्डर में होने वाली, मतलब मानसून में परिवर्तन आ रहा है वो क्रोनोलॉजिकल है, टाइम के साथ ओजोन परत में, ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, होल्स हो रहे हैं, उसकी वजह से रेडिएशन बढ़ रहा है, तो वो क्रोनोलॉजिकल है जो कि पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है या फिर रेडिएशन को बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद आती है क्रोनोलॉजी। तो जैसे मैंने देखा कि लॉजी होता है साइंस, तो लॉजी होगी स्टडी। तो ये क्या साइंस होती है, किस चीज़ की स्टडी होती है, टाइम के अनुसार कि चीज़ें कैसे हो रही हैं टाइम के अनुसार। उसके बाद है क्रोनोमीटर। क्रोनोज का मतलब होता है टाइम, मेट्रोन मतलब मेजरमेंट करना। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा टाइम मेजर किया जाता है। उसके बाद है क्रोनोमेट्री, ये भी वही हो गया, मेट्रोन मतलब मेजरमेंट करना, क्रोनोज मतलब टाइम, मतलब टाइम का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, क्रोनोमेट्री कहलाता है। उसके बाद है एनाक्रोनिज्म, ये भी क्रोनोज से बना है लेकिन इसमें प्रीफिक्स आ रहा है, वो उसका प्रीफिक्स क्या है, ए एन ए एना, जो कि एक नेगेटिव सेंस देता है यहाँ पर, तो क्रोनोज का अपोजिट देगा, मतलब जो चीज़ें टाइम के अनुसार होती थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो अब एनाक्रोनिज्म हो गई, मतलब आउट ऑफ टाइम, तो समथिंग दैट इज आउट ऑफ टाइम। आगे कुछ रूट वर्ड्स और हैं, सिन देख लेते हैं, SYN, सिन का मतलब होता है विद और साथ साथ में। उसके बाद है पैथी, पैथी के दो तीन मीनिंग होते हैं अलग अलग वे में, डिजीज भी होता है, सफरिंग भी होता है, या किसी चीज़ को फील करने को भी पैथी बोलते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड, क्रोनोस देख चुके हैं, टाइम लॉजी मतलब स्टडी, तो अभी कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं। सिंक्रोनाइज, बहुत सुना है हमने सिंक्रोनाइज प्रोसेस, सिंक्रोनाइज में चल रही है या फिर परेड हो रही है तो जवानों के कदम सिंक्रोनाइज वे में चल रहे हैं, तो सिन का मतलब होता है साथ और क्रोनाइज मतलब टाइम, क्रोनोज तो साथ साथ में होना, सिंक्रोनाइज मतलब टाइम के साथ साथ होना। उसके बाद है पैथोलॉजी, तो पैथो का मतलब क्या होता है, पैथी का मतलब होता है डिजीज या सफरिंग और फीलिंग समथिंग, और पैथोलॉजी क्या होगा कि डिजीज के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है, ये उनकी एक ब्रांच होगी, स्टडी ऑफ डिजीजेज या साइंस बोल सकते हैं उसको, तुम जनरली स्टडी बोल देते हैं। पथेटिक, अपन बोलते हैं ना ही इज़ वेरी पथेटिक, मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना किसी भी समस्या को लेके, या तो कोई बीमारी की वजह से या फिर कोई टेंशन की वजह से, सो सफर्ड फ्रॉम समथिंग इज़ कॉल्ड पथेटिक, कि आदमी बहुत पथेटिक है इस समस्या को लेके। उसके आगे पैथोलॉजिस्ट, तो पैथोस का मतलब होता है वही डिजीज़ और सफरिंग और फीलिंग, और लॉजिस्ट मतलब जिसको पता चल जाता है डिजीज़ के बारे में, तो जो डिजीज़ के बारे में चेक करता है, जांच करता है, उसे बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। आगे थोड़े रूट वर्ड और देख लेते हैं। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, सिम का मतलब होता है विद और टुगेदर, EM होता है नेगेटिव प्रीफिक्स, एंड ए होता है नेगेटिव प्रीफिक्स, ये दोनों ही नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं, तो देख लेते हैं। टेलीपैथी क्या होता है, डिस्टेंस के ऊपर जो सफरिंग होती है, मतलब कम्युनिकेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस, और उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आना, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आना, उसे टेलीपैथी बोलते हैं। उसके बाद है सिंपथी, सिम का मतलब अपन ने देखा था क्या होता है, साथ या टुगेदर, और पैथी मतलब दो तीन रूट वर्ड्स देखे थे, डिजीज, फीलिंग और सफरिंग, तो यहाँ पर फीलिंग काम में आ रहा है, मतलब एक जैसा सा सोचना, साथ सा सोचना, तो कॉमन शेयरिंग ऑफ अनदर्स, मतलब जिसको बोलते हैं ना सिंपथी दिखा रहा है कि ये आदमी के साथ ऐसा हो गया तो उसके साथ सिंपथी दिखा रहा है, मतलब उसके भावों में चले जाना, उसके अनुसार भावों को ढाल लेना, वो खुश है तो खुश और दुखी है तो दुखी। एम्पथी देख लेते हैं, एम्पथी का क्या होता है, रिलेट करना होता है, जस्ट रिलेट करना, एम नेगेटिव प्रीफिक्स है, सफरिंग तो है, अपन ने रिलेट भी किया लेकिन वी डोंट केयर अ लॉट अबाउट इट, जैसे पाकिस्तान में टेररिज्म है उसकी प्रॉब्लम, हमें भी दुख होता है कि वहाँ टेररिज्म और वहाँ की जनता परेशान हो रही है, लेकिन हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है अपाथी, अपाथी मतलब ए नेगेटिव प्रीफिक्स है, और पैथी क्या होती है, फीलिंग्स होती है, सफरिंग होती है, तो लैक ऑफ फीलिंग्स मतलब फीलिंग्स ही ना होना, वो कहलाता है अपाथी। इसके बाद कुछ रूट वर्ड्स हो रहे हैं, एंटी, एंटी का मतलब आपने देखा होगा एंटीडोट, एंटीबायोटिक,
तो वो सारे अगेंस्ट होते हैं। उसके बाद है कौन, मतलब विद और टुगेदर, ये अपन पहले देख चुके हैं। इन भी नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। और ग्रीडी, ये लेटिन भाषा से आया है, लेटिन लैंग्वेज का है, जिसका मतलब होता है किसी के साथ सहमत हो जाना, बीइंग एग्रीड ऑन सम इश्यू, किसी भी बात पर सहमत हो जाना। एंटीपैथी क्या हुआ कि पैथी के अगेनेस्ट, मतलब किसी प्रकार की फीलिंग या सफरिंग उसके अगेनेस्ट होना, तो मतलब स्ट्रांगली डिसलाइकिंग, मतलब पसंद नहीं करना किसी को। उसके बाद है इनकॉन्ग्रुएटी। इनकॉन्ग्रुएटी का मतलब क्या होता है, ग्रेडी मतलब होता है एग्री हो जाना, कौन मतलब साथ में, इन आ गया नेगेटिव, मतलब किसी के साथ इजीली एग्रीड नहीं होना, मतलब स्ट्रेंज लगना कहीं पर भी, मतलब कुछ भी मान लो कि एक डिस्कशन चल रहा है जिसमें सारे एक मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं, 10 लोग हैं, 9 लोग एक बात बोल रहे हैं, एक आदमी डिफरेंट बात बोल रहा है, तो काफ़ी स्ट्रेंज हो गया वहाँ पर, वो अब एक अपना अलग ही तरीका दिखा रहा है, उसे बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएटी। तो उसका मतलब होता है सो स्ट्रेंज। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं रूट वर्ड्स का, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। क्रोनोस टाइम, एना और ए होता है नेगेटिव प्रीफिक्स, कौन मतलब होता है विद, विद या टुगेदर, एंड इन होता है नेगेटिव प्रीफिक्स, लॉजी मतलब होता है स्टडी, मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट, और सिन और सिम का मतलब होता है विद और टुगेदर, एपाथोस का मतलब होता है डिजीज, पैथी मान लेते हैं इसको, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर एंटी आएगा एनेट की जगह, एंटी का मतलब अगेनेस्ट, और ये कुछ नेगेटिव प्रीफिक्सेस हैं। उसके बाद टेली डिस्टेंस, और ग्रेटी लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सहमत हो जाना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।